जनपद फरुखाबाद के भाजपा के विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन में खाकी पर भारी पड़ी खादी। सत्ता के नशे में चूर फरुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत का करीबी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा को जमकर धमकाया। वहीं कोतवाली अलीगंज में तैनात दरोगा मनोज कुमार को कहा कि तेरा इंस्पेक्टर भी तेरे साथ साथ अपने आप उछलेगा, तुम जानते नहीं हो मुझे, मैं फौजी कहते हैं। वहीं सत्ता के नशे में चूर दिखा स्थानीय सांसद मुकेश राजपूत का करीबी, भीड़ में घिरा दारोगा कितना लाचार और बेबस मजबूर नजर आ रहा है। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाई संतोष चौहान को भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा ने हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करे और आज इस कार्यक्रम के समाप्ति है ना, सब तरह लड़ाई रह जाएगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अश्विनी शाक्य की रिपोर्ट, कायमगंज फरुखाबाद। अंबेडकर नगर लोकसभा की निर्दल भावी प्रत्याशी पुष्पा अनिल ने किया जनसंपर्क। प्राप्त जानकारी के अनुसार भावी प्रत्याशी द्वारा चाची पर ग्राम सभा में मीटिंग कर अपने कार्यों को बताया गया तथा चाचीपुर सहित लगभग दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि दलदल से निकलकर एक बार फिर निर्दल में आने की जरूरत है तथा उन्होंने यह भी बताया कि आज सभी पार्टियां हेराफेरी में लगी हुई, आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस रहेगी, चोरी नहीं बंद की जा रही है, वहीं दलाली अपने चरम पर चल रही है, सिर्फ आप लोग चोर बदल रहे हैं, ऐसे में आवश्यकता है कि चोरी बंद की जाए। उन्होंने बताया कि समाज में समाज सेवा का व्रत लिया है और आने वाले लोकसभा में चुनाव में जीत दर्ज कराऊंगी और निर्बल गरीब असहाय लोगों की सेवा ही मेरी मुख्य प्राथमिकता होगी। मैं जो चुनाव लड़ रही हूँ ये चुनाव मैं किसी पार्टी के विरोध में नहीं लड़ रही हूँ, किसी नेता के विरोध में नहीं लड़ रही, किसी व्यक्ति के विरोध में नहीं लड़ रही हूँ, मैं एक सामान्य सी लड़ाई लड़ रही हूँ, वो आप लोगों के हक और अधिकार की है। हालांकि जो अधिकार आपको बाबा साहब दे के गए हैं संविधान में, नैसर्गिक अधिकार है, जो आपको मूलभूत अधिकार है जो मिलने चाहिए, उसके लिए भी आपको जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस गांव में अगर कुछ बढ़ी है तो खाली जनसंख्या बढ़ी है, सुविधा कोई नहीं बढ़ी है कि कहीं कोई सुविधा हो। अभी मेरी कल एक बच्ची ये कह रही है इसको भी इसका BTC का एग्ज़ाम देना है, कोई सरकारी स्कूल यहाँ पर नहीं है और ये BTC वगैरह जो करा रहे हैं कि जो गरीब आदमी है वो लाख रुपए वहीं एक सेमेस्टर का एक साल का कहाँ से दे पाएगा। अगर दो सेमेस्टर आपको करने हैं तो 2 लाख रुपए आप कहाँ से लेके आएंगे, जबकि सरकारी स्कूलों में तो नहीं है। प्राइवेट स्कूल इसलिए खोले जाते हैं कि आप उनका जितना दोहन कर सके करें। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए दुर्गेश कुमार की रिपोर्ट, अम्बेडकर नगर। जनपद कन्नौज के हसेरन में पूर्व विधायक कुंवर अरविंद प्रताप सिंह हसेरन ने लोगों ने किया स्वागत और अरविंद प्रताप सिंह जैसे ही हसेरन पहुंचे वैसे ही लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, उनको माला पहनाई गई और भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जय घोष करने लगे। कुंवर अरविंद प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यों का वर्णन किया, भाजपा परिवार की बात रखी। वही विधायक जी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के लिए कार्य किया है, वह बहुत ही सराहनीय अतुलनीय है, जिसके चलते आज हम लोगों को कन्नौज लोकसभा से प्रत्याशी माननीय श्री सुब्रत पाठक जी भारी मतों से विजय बनाई। वहीं सुनील मिश्र, अंकुर गुप्ता, विवेक शुक्ल, गुंजन त्रिपाठी, अजीत सिंह, कन्हैया भदौरिया, सतीश चंद्र गुप्ता, पप्पू यादव, संजय राजपूत, पुष्पेंद्र शाह के सचिन मिश्रा आदि कई लोग भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मतलब भी नहीं, मतलब हम लोगों को है कि गांव के लिए क्या कर रहे, गांव के लिए क्या कर रहे, इसमें उन्होंने अगर देखा जाए तो गांव में आवास बनवाए, देश की योजना थी, भारतीय जनता पार्टी की योजना थी और ऐसा चाहिए कोई गांव हो जिनमें आवास ना मरो, कहीं ज्यादा बन गए कहीं कम बन गए, लेकिन सूची बनी हुई है, लगातार बनते चले जाएंगे, एक कानून बन गया। शौचालयों का निर्माण, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा जहां पर शौचालय ना बना हो। एक नए कानून के हिसाब से किसानों को उन्होंने पेंशन देने वाला काम किया, जिनके पास में 25 बीघा से कम जमीन थी उनको उन्होंने 6,000 रुपया साल का देने का काम शुरू किया है और ये धन लगातार बढ़ता जाएगा, सरकार कोई भी रहे लेकिन इसको कोई भी योजना को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि किसानों के बल पर देश चलता है, किसान को अनदेखा कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बिजली की बात कर, चले बने किसी से अछूता नहीं है, गांव में आवास बने किसी से अछूता नहीं है, किसानों को खाते में पैसा गया है किसी की से अछूता नहीं है। और जहां तक बिजली की बात करें तो गांव में अगर गांव से दूर हटकर किसी ने एक मकान भी बना लिया है तो वहां तक भी बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो मैं ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जो सर्व समाज को लेकर चल रही है मैं उसके साथ में हूं। जहां तक ईमानदारी की बात है, हम और हमारा परिवार ईमानदारी की राजनीति करता आया है, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कोई आरोप नहीं है,
उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनना चाहिए और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। इस प्रकार के नेताओं के साथ में जब हम काम करेंगे तो हम और हमारे तमाम साथी मिलकर इसको और आगे बढ़ाएंगे। और जहां तक रही इस चुनाव में जीतने की बात, मैंने समाजवादी पार्टी का जो काम किया था, मैंने उन तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता रखने वाले लोगों को भी समाजवादी पार्टी में वोट दिलवाया था। मैं लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूं और पिछले चुनाव में मैंने जो समाजवादी पार्टी वोट दिया उसकी संख्या 1 लाख से ज्यादा ही होगी। ऐसा वोट जो भाजपा का था उसको मैंने समाजवादी पार्टी में दिलवाया 1 लाख वोट, अगर उसको मैं वापस लाऊंगा तो 1 लाख वोट वो कम होगा और भारतीय जनता पार्टी के 1 लाख वोट बढ़ेगा, 2 लाख वोट तो ऐसे ही हो गया। और जहां तक रही हमारी बात, हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, ऐसे लोग हैं जो इसी चुनाव में सामने आएंगे, जो समाजवादी पार्टी के लिए लगातार काम करते रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे और यही हमारी जीत का कारण होगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सोनू भदौरिया की रिपोर्ट, कन्नौज। जनपद लखीमपुर खीरी के बरबर पुलिस ने शुक्रवार रात्रि गश्त के दौरान एक युवक को तमंचे के साथ बौनापुर से गिरफ्तार किया। वहीं चौकी इंचार्ज अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अपने हमराइयों के साथ शुक्रवार रात्रि गश्त पर बौनापुर तिराहा मुड़िया बाबा मेला के पास एक युवक की तलाशी लेने पर उसे 315 बोर का तमंचा व जिंदा कारतूस मिले। साथ ही उसने अपना नाम कल्लू उर्फ मोहन निवासी चक मनोहर बताया, जिसे नियमानुसार 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत चालान कर जेल भेजा गया। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए अतीश द्विवेदी की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।